उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द आने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज राज्य की धामी सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने रखेगी और 5 से 6 फरवरी के बीच इसे लागू करने की योजना है। सीएम धामी ऐलान कर चुके हैं कि आगामी सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू किया जाएगा। कल यूसीसी को लागू करने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप चुकी है और अब जल्द इसे लागू करने की तैयारी है। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार किया है। हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, अपने अन्य दलों के साथियों से भी, कि इस सकारात्मक चर्चा और देश के अंदर जो लंबे समय से मांग रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ इसको लागू कर सकते हैं, इसको राज्य अपने अपने अनुसार उसको लागू करने की दिशा में काम कर सकते हैं, उसके अनुसार ही हम सदन में चर्चा करेंगे और विधेयक के रूप में लाकर विधेयक बनेगा। उत्तराखंड राज्य जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार आदि, कैलाश, अनेकों नदियाँ जो पूरे देश के अंदर लोगों को जल देने का काम करती हैं, कहीं आचमन के लिए, कहीं सिंचाई के लिए, जीवन को प्रभावित करने का काम, प्रभावमान करने का काम यहाँ से होता है। यहाँ के ग्लेशियर हैं, पर्वतमालाएं हैं, तो एक नया काम देश के अंदर समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड से शुरू होगा। समान नागरिक संहिता एक सेक्युलर कानून है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होगा। इसे लेकर कई लोग खुश हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जल्दबाजी कर रही है और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। कमेटी में भेजना चाहिए, उन पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मामूली सा सब्जेक्ट नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिस पर भरपूर चर्चा की आवश्यकता है। सभी तरह के आपने रिपोर्ट मंगवा ली और आपने घोषणा कर दी कि 7 दिन में हम यह कर देंगे, लागू कर देंगे, ऐसे उतावलेपन की ज़रूरत क्या थी, सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि अब ये जो रिपोर्ट 6 तारीख को विधानसभा में जाएगी तो आशा ये की जाती है कि विधानसभा में इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा में इस ड्राफ्ट के, इस एक्ट जो पास करने जा रहे हैं कानून को, उस पर पूरी तरह से उसकी प्लस माइनस को देख कर फिर उस पर उसको पास पारित करने की बात होनी चाहिए। मजहब के लोग अपने कानून के मुताबिक रहेंगे। मुसलमान का अपना पर्सनल लॉ है, हिंदू समाज के लोगों का अपना पर्सनल लॉ है, जैन समाज के लोगों का अपना पर्सनल लॉ। आखिर ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों के ही पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है? हमारे सारे मसले मसाइल के ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो इनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने यूथ है बेरोजगार है, महंगाई बढ़ते जा रही है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, लोगों के खाने पीने के वांदे हैं, लोग आखिर में भुखमरी का शिकार होंगे। इस तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए, ना कि यूसीसी और ये मंदिर।